चोर साला चोर चोर ए मोदी चोर से चोर चोर आनी चोर से देखिए बीजेपी सरकार एक नंबर की चोर है चोर 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 ये तो इनके मतलब के लिए सब करते हैं सब पैसा कमाने के लिए और गरीबों पे अत्याचार करते हैं गरीबों पे मुखबारी बढ़ाते हैं और गरीब खाएगा क्या कैसे कमाएगा कैसे घर चलाएगा जग मजदूरी करने वाले 100-200 रुपया लाने वाले कैसा घर चलाते हो इनका मन जानते हैं वो तो इनके मतलब के लिए काम करते हैं सरकार जो नेता होते हैं तो बोलते हैं बोले उनका क्या काम है उनको कुर्सी चाहिए पैसा चाहिए तो बोले लड़ो तुम आपस में तो हमारा तो फायदा हो जाएगा कैसा है हमारा कुछ नहीं है इसमें हम ये हमारे साथ है हम इनके साथ है इनको कुछ होएगा तो हम खड़े रहेंगे ना हमको कुछ होएगा तो ये खड़े होंगे नेता लोग भाषण देते राशन नहीं देते आप देख रहे हैं देश लाइव देश की आवाज नाजी पठान देश लाइव में आपका स्वागत है और खास करके देखा जाता है हिंदुस्तान के अंदर भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है राजनीति करी जाती है कि हिंदुओं को मुस्लिम से खतरा है मुस्लिम को हिंदुओं से खतरा है इलेक्शन आते हैं नेता लोग आते हैं प्रवचन करते हैं मीटिंग बैठाते हैं मगर उसमें क्या कहा जाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जहर घोलने की कोशिश करी जाती है कि अरे अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो हिंदू आपको मार देंगे अरे अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो मुस्लिम आपके ऊपर अत्याचार करेंगे मारेंगे मगर क्या सच्चाई है इसीलिए हम डायरेक्ट हमारे देश लाइव के माध्यम से जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम सारे लोग यहाँ पर हम इनसे पूछेंगे क्या वाकई हिंदू को मुस्लिम से खतरा है या मुस्लिम को हिंदू से खतरा है वो तो बताएंगे यही लोग जिन इसीलिए हमने इनके बीच में आके और देश की जनता की आंख खोलने के लिए हम देश लाइव से आपके साथ डायरेक्ट जुड़े हैं आइए हम बात करते हैं क्या नाम है मासी आपका मेरा नाम गजी बेन है गजी बेन अच्छा मैंने ऐसा सुना है कि हिंदुओं को मुस्लिम से खतरा है क्या मुस्लिम मारते हैं नहीं हम 40-50 बरस से रहते हैं हमारा कोई खतरा नहीं है क्या कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं मुस्लिम से ना हम साथ में रहते हैं सब मिलकर हम रहते हैं भाई भाई बन के रहते हैं चारा बन के रहते हैं साथ में रहते क्या नाम है आपका पार्वती बहन नवीन भाई जनता है पार्वती बहन मगर लोग तो बोलते हैं कि बोले मुसलमान मार देंगे हिंदुओं को ना नहीं नहीं ना ऐसा कुछ नहीं है ना ऐसा कुछ नहीं है साथ रहते क्या नाम है बहन आपका ओसा विजय अच्छा क्या लगता है मुसलमान वाकई मतलब जो गुंडे होते हैं नहीं ऐसा मारते घर में गुंडे हम मिलकर रहते हैं ऐसा हम सब जाते हैं मगर सरकार तो कहती है कि बोले कि अगर बोले मुसलमान बोले मारते हैं और का कमाने का धंधा है हमारे गरीब का हाल कैसा होगा मतलब हिंदुओं को मुस्लिम से खतरा नहीं है नहीं हम मिलकर रहते सब मिलके रहते हो ईद दिवाली सब मिलके नवरात्रि दिवाली होली दिवाली सब मिलके बनाते हैं हमारे त्योहार में इनको खुशी आ जाती है इनके त्योहार में हमको खुशी आ जाती है ऐसा ऐसा मगर तो ये चीज फिर बोलते क्यों नहीं जैसा जलने वाले तो जलेंगे न दो जात को लड़ाएंगे कुर्सी पर बैठ गए लोगों का अरे जनता को लड़वाने का धंधा करते लोग बराबर अरे ये लोगों के भले अंदर अंदर को हम बात करके लड़ मरे हैं क्या नाम है बहन आपका मेरा नाम बाली बहन बाली बहन मुस्लिम से खतरा है आपको नहीं कुछ खतरा नहीं पक्का आपको नहीं कुछ खतरा नहीं क्या नाम है आपका मंगा बेन मैंने सुन रहा हूँ मुसलमान लोग गुस्से मारते हैं नहीं नहीं हम मिल बात कर रहे थे बेन भाई जैसे रहते ये नेता लोग फिर हिंदू मुस्लिम पर लड़वाने का धंधा करते हम लोग तो मिलते रहते छोटे से बड़े हो गए कोई दिन झगड़ा नहीं हुआ हमारे यहाँ अच्छा ऐसा है तो ये देखिए ये हम आपको जो अपडेट है ना ये हम आपको कहीं बाहर का नहीं हम आपको कहीं बांग्लादेश अमेरिका लंदन का नहीं बता ये हमारे को हम आपको गुजरात अहमदाबाद की सर्वे हम आपको बता देंगे क्या वाकई मुसलमानों को भाई मुसलमान मारते हैं सब सब एक जैसे सब एक क्या नाम है आपका नाम क्या अनु भाई वाकई कोई खतरा नहीं मुसलमान हिंदू मुस्लिम सब एक ही है तो मतलब वो तो बोलते हैं कि मुस्लिमों को इतना बोले ये तो इनके मतलब के लिए सब करते हैं सब पैसा कमाने के लिए और गरीबों पे अत्याचार करते हैं गरीबों पे मुखबारी बढ़ाते हैं और गरीब खाएगा क्या
कैसे कमाएगा, कैसे घर चलाएगा। ठेक मजदूरी करने वाले 100-200 रुपया लाने वाले कैसा घर चलाते हो इनका मन जानते हैं, तो वो तो इनके मतलब के लिए काम करते है सरकार। जब वो पार्टी सब नेता लोग करते बड़े बड़े पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए सब आरोप डाल देते हैं। क्या क्या नाम है आपका? मुस्कान मलिक। मुस्कान, मुस्कान आपा क्या लगता है कि हिंदू लोग आते हैं मारते हैं ऐसा कुछ करते हैं? कुछ भी नहीं है ऐसा, हम सब मिलते रहते हैं, कौमी एकता से रहते होंगे। हमारे को कुछ होता तो ये खड़े होते हैं, इनको कुछ होता तो हम खड़े होते होंगे, एक दूसरे में सुख दुख में हम लोग साथ देते। देखिए ये है हिंदुस्तान, ये है गुजरात, ये है अहमदाबाद, जहाँ पर पब्लिक मिलकर रहती, मिलना चाहती है हिंदू मुसलमान, फिर भी उसके बाद भी जहर घोला जाता है हिंदू मुस्लिम की एकता में। शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को जो लोग हिंदू मुस्लिम, जो एक हिंदुस्तान है ये, इसके अंदर ये सुंदर बाग है, इसके अंदर चार फूल है बड़ी खूबसूरत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, मगर न जाने किसकी नजर लग गई है ये फूलों पे, ये फूल को तोड़ना चाहते हैं, इसको मुरझाने की कोशिश करा जा रहा है कि कैसे भी करके हम कुछ ऐसे बीज डाल दे ये फूल मुरझा जाए, आपस में मिले ना, मगर लाख कोशिश करने वाले से कुछ नहीं होता। ऊपर वाला जब किसी को मिलाना चाहता है तो सारे की सारी साजिश से फेल हो जाती है। क्या नाम है आप आपका? मेरा नाम जरीना बान। जरीना आपका क्या लगता है हिंदू लोग मारते हैं क्या? हमारे ऐसा है नहीं, हम लोग साथ में रहते हैं, साथ तो बोलते हैं, मतलब लोग आते हैं, उनको लड़वाने का जरिया नहीं मिल रहा इसके लिए हम लोग को लड़वा। वो मुस्लिम जो नेता होते हो तो बोलते हैं, बोले उनका क्या काम है, उनको कुर्सी चाहिए पैसा चाहिए, तो बोले लड़ो तुम आपस में तो हमारा तो फायदा हो जाएगा। जैसा है कैसा है, तो हमारा कुछ नहीं है इसमें, हम ये हमारे साथ है, हम इनके साथ है, है? इनको कुछ होएगा तो हम खड़े होंगे ना, हमको कुछ होएगा तो ये खड़े होंगे। क्या नाम है आपका? नहीं बोल, क्या नाम है आपका? नाम क्या? तमन्ना। तमन्ना आपका हिंदू लोग वाकई मतलब गुस्से वाले होते आके मारते ऐसा कुछ पूछते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा की बोले हिंदू तो मारेंगे काटेंगे ऐसा करेंगे, नहीं नहीं सब गलत, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये सब खाली खुशी बात है। पक्का? हाँ पक्का। बोलो कोई दबाव वबाव से तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं नहीं दबाव का है। क्या नाम है आप आपका? अफसाना बहन। क्या? अफसाना बहन। अफसाना का वाकई मतलब जो हिंदू लोग जो होते हैं लोग ऐसा बोलते हैं कि बोले क्या बोले मुसलमान ऐसे होते हैं ऐसे होते, वाकई के हिंदू लोग आपको इस तरीके से मारते हैं अत्याचार ऐसा कुछ के लिए? अच्छा ऐसा कुछ होता तो कहीं रहता ही नहीं। देखिए ये हिंदुस्तान, ये है मुसलमान, ये है हिंदू और मुस्लिम की एकता। हमारे बचपन से साथ में ही खेले। अरे पर वो तो बहुत सब लोग बोलते, दिल्ली वाले तो ऐसा बोलते हैं, एक साथ रह लेंगे। अच्छा जब ब्रेकिंग न्यूज देश लाइव के माध्यम से हम आपको डायरेक्ट बता रहे, 2002 के दंगों में भी हिंदू मुसलमान साथ थे, सब एक आपका। रमीला बेन। रमीला बेन वाकई कोई तकलीफ नहीं 2002 के? नहीं पूछ गई, 2002 के दंगों में भी नहीं तकलीफ? इतने लोग कटे जब भी हम सब साथ में थे। अच्छा ये सब हमारे साथ, मतलब ऐसा कुछ नहीं था ये हिंदू है ये मुस्लिम है, जो हिंदू लड़ता है। अच्छा कोई हिंदू मारने आता तो सब मिलते, और कोई मुसलमान मारने आता तो मिलते हैं? देखिए देखिए ये है ये। हाँ भैया नेता लोग भाषण देते राशन नहीं देते, हमारे एक ही सरकार है केजरीवाल, उसको लाना है लाना है लाना है, गरीबी यह है, सब सब मिल के देते बड़े भाई। केजरीवाल क्यों, केजरीवाल क्यों, बीजेपी सरकार क्यों नहीं? अरे नहीं चाहिए, ये पनौती चोर है, बीजेपी सरकार एक नंबर की चोर है, चोर चोर चोर। हमारा क्या एकता रहते हैं, एकता रहने वाले हम सब एक हमारी मेहनत करते हैं लेकिन साथ में रहते हैं। अच्छा बच्चों को पढ़ाने की फीस कितनी महंगी होगी? ऐसा है। अच्छा और अच्छा और वो क्या कांग्रेस पार्टी क्यों ने, MIM क्यों ने, वैसे सब भी आ गए, आम केजरीवाल ही क्यों क्यों? केजरीवाल गुजरात में हमारे को केजरीवाल चाहिए बस, केजरीवाल बनाना है, सबने बड़ा बड़ा वायदा करा, कोई ना करा नहीं है यहाँ पे, लाना रोजता खाना महंगाई है, गैस का बाटले का एक हजार अभी नहीं किसकी सरकार, मगर यहाँ पर लोगों को बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी
अटल जी चाहिए केजरीवाल चाहिए। हमने पूछा क्यों, तो बोले सबको अजमा लिया। हमारे पूछो बताएंगे हमको केजरीवाल चाहिए, केजरीवाल चाहिए, केजरीवाल चाहिए, केजरीवाल को अपना। यहाँ तो चलिए आप लोग को भी सबको हिंदू मुस्लिम दोनों पब्लिक है यहाँ पर। हमने तो अभी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे थे, मगर यहाँ पर डायरेक्ट टू डायरेक्ट लहर देखने को मिल गया आम आदमी पार्टी की। हमको लड़ना नहीं है, हमको लड़ना नहीं है, हम सब मिल के रहते हैं एक बार में। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। देखिए चुनाव आता है, खास करके जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इलेक्शन अभी काफी नजदीक है। नेता लोग आएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे और कहेंगे आप हमें वोट दो, हम आपका विकास करेंगे। विकास होता है आप लोग का? झोली फैला के आते वोट लेने, वोट लेने के बाद कोई देखता नहीं है, पब्लिक आ रही है, बची रही है। पानी देंगे, राशन देंगे, कुछ नहीं मिलता है, खाली वोट दे रहे हमको सब हो जाएगा। अच्छा कुछ नहीं होता है, नहीं होता है, ब्रेकिंग न्यूज, राशन कार्ड चालू होने के बाद भी अगर ये अनाज वाले के यहाँ जाते हैं तो अनाज नहीं है। अनाज नहीं है, राशन कार्ड है लेकिन अनाज नहीं है। अनाज नहीं है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं तुम्हारा नहीं है, बंद हो गया, बंद हो गया, बोले अनाज नहीं है। कलंक में भ्रष्टाचार, ये है गुजरात सरकार, ये है गुजरात मॉडल सरकार, चोरों है मोदी का सारा चोर, चोर। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, एक बात आती है, विकास दुबे चली गयो, विकास छो हमारा विकास है, हमारा फोटो मोदी चोर से, चोर चोर अभी चोर से। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तुम बात कोई बात नहीं, कैसा विकास, क्यों विकास है हिंदुस्तान में बताओ, मैंने मैंने बताओ जरूर, मैंने कौन विकास से मारो बताओ। वो तो बोलते बहुत हो गई महंगाई की मार, अब पर इस बार मोदी साहब तो मारो नहीं गयो, हिंदुस्तान में बताओ नहीं गयो, मारो नहीं, मारो परिवार में नहीं गयो, गरीबों से लेने आते, गरीबों को देने को नहीं आता। अच्छा लायर दिल तुम देखो घर में बैठ के क्या खा रहे, अच्छा रोटी भी अच्छी नहीं है, हाँ बहुत महंगाई है। सरकार विचार क्यों नहीं करती, जब जनता को परेशानी है तो सो गई सरकार, बिस्तरा में सो जा और गरीब मरो और गांव आगे चला है अपन के भी पैसे लिए सरकार के पास। ओहो ऐसे गरीबों के लिए, अरे गरीबों के लिए, मगर ये गरीब मरेंगे तो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी ले जाएगी, कफन भी नहीं डालेंगे, क्या हाल है, गरीब चीज वसूल करते लो। अच्छा अच्छा मैं एक चीज पूछूंगा यहाँ की जनता से, थोड़ा सी पीछे भैया भैया बेटा बेटा आप लोग, मैं एक बार पूछूंगा। अच्छा आप लोगों को जो दवा खाना है हॉस्पिटल वहाँ तो फ्री में आपका सब इलाज होता है, खाली दवा खाने में बस एडमिट कर लेते, दवा नहीं देते, बाहर की दवा लिख के देते, मेडिकल की बाहर की दवा आती है, सब 2500 हो तुम्हारे पास क्या सबूत है, ऐसा कर देगा बोलते हैं। देखिए एक बार, अच्छा वाकई कोई मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, अच्छा महंगा तेल बाटला के बाद महंगा चारा का बाटला आता है, बरोबर क्या खाया जाए, क्या इस बार क्या लगता है, इस बार किसकी लहर देखने को मिलेगी गुजरात में, क्या चाहते हो आप लोग? हमको तो केजरीवाल को लाना है, हो गया ना, तो कोई इधर देखने नहीं आए, कोई देखने नहीं आए, सब मिल के हम मिले, एक दूसरे में बात के खाए, मिल के बात के खाए। देखिए ए
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।